अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स योर मैथमेटिक्स क्लास। टुडे द डेट इज 20 अप्रैल 2021 एंड द डे इज ट्यूसडे। चैप्टर नंबर वन, नेम ऑफ चैप्टर नंबर वन इज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी थी मैट्रिक्स की, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, रोज, कॉलम्स, सारी डेफिनेशंस हम लोगों ने पढ़ी थी। तो आज उन डेफिनेशंस की मदद से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी। एक्सरसाइज 1.1 विच इज़ ऑन द पेज नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन हैं जिनके हमने क्या फाइंड करने हैं, ऑर्डर फाइंड करने हैं। तो हम ऑर्डर की डेफिनेशन को एक दफ़ा दोबारा याद करते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था। आप लोग बोर्ड पे भी देख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स क्या कहलाते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर वन में हमने ऑर्डर फाइंड करना है मैट्रिसेस का, तो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है, इसका ऑर्डर हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या आ जाता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखें, मैट्रिक्स ए में हमारे पास रोज की तादाद भी 2 है और कॉलम्स की तादाद भी हमारे पास क्या है, 2 है। तो ऑर्डर ऑफ ए इज़ 2/2। बी में देखें, बी में भी ऑर्डर ऑफ बी इज़ 2/2। इट्स मीन्स किस में रोज की तादाद भी 2 है और कॉलम्स की तादाद भी हमारे पास 2 है, तो इसे क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ बी इज़ 2/2। नेक्स्ट सी हमारे पास, इसमें ऑर्डर ऑफ सी इज़ 1/2। 1/2 कैसे है, कि इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 2, तो ऑर्डर ऑफ सी इज़ 1/2। सेम फॉर पार्ट डी, 4, 0, 6, इसमें ऑर्डर ऑफ डी इज़ 3/1। ई में है ऑर्डर ऑफ ई इज़ 3/2। इट्स मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ रोज भी 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 2 है हमारे पास। एफ इज़ 2, ऑर्डर ऑफ एफ इज़ 1/1, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज आल्सो इज इक्वल टू 1। जी में है ऑर्डर ऑफ जी इज़ 3/3। इट्स मीन्स केस में नंबर ऑफ रोज भी 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 हैं। एच इज़ 2, 3, 4, 1, 0, 6, ऑर्डर ऑफ एच इज़ 2/3। इट्स मीन्स इसमें रोज़ की तादाद हमारे पास कितनी है, 2, और कॉलम्स की तादाद हमारे पास क्या है, 3। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे एंड हुआ। कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।